दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। अब इस टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक देश में चार प्रकार के लोग रहते हैं। अब आप बोलोगे चार प्रकार के लोग कौन कौन से जो हमारे देश में रहते हैं। पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम परिवार क्षेत्र कहते हैं, दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा आता है गवर्नमेंट यानी सरकारी क्षेत्र, और चौथा आता है एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम विदेशी क्षेत्र भी कहते हैं। तो एक देश में बेसिकली चार प्रकार के लोग रहते हैं, तभी इस टॉपिक का नाम पड़ा है फोर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, यानी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये करते क्या है हमारे देश के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला सेक्टर आता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम परिवार क्षेत्र कहते हैं। तो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर करते क्या है हमारे देश में, तो बेसिकली ये कंज्यूम करते हैं क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी ये लोग वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग मतलब होता है किसी चीज को कंज्यूम करना। अब कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर चीज को खा सकते हैं, हम अगर कोई सर्विस लेते हैं तो उसको हम फील करते हैं, और साथ के साथ ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर होते हैं यानी उत्पादन के कारकों के ये मालिक होते हैं। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें होती है जो एक उत्पादनकर्ता को जरूरी है उत्पादन करने के लिए, जैसे पहले लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल, यानी भूमि, श्रम यानी लेबर। अगला आता है आपका कैपिटल यानी पूंजी, एंटरप्रेन्योर स्किल यानी उद्यम यानी नॉलेज भी जरूरी होती है। तो वो सारी चीजें तो उत्पादन करने के लिए जरूरी है, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दोस्तों अगला आता है प्रोड्यूसर सेक्टर यानी उत्पादक क्षेत्र, कि बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर हमारे देश में करता क्या है। हमारे देश में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है यानी उत्पादन करने वाली श्रृंखला है यानी उत्पादन करने वाले बिजनेसेस है, उन सबको हम प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली ये करते क्या है, ये देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, और साथ के साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए उत्पादन करने के लिए, ये उसको हायर करते हैं या फिर परचेज करते हैं, किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। लाइक अगर उनको एक बिजनेस खोलना है तो लैंड चाहिए, और लैंड किसके पास होगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। उनको लेबर चाहिए तो लेबर भी कैसे आएगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास से। अगर उनको पैसा चाहिए तो पैसा बैंक में कौन जमा कराता है, हाउस होल्ड सेक्टर कराता है। अगर उनको नॉलेज चाहिए तो कोई ऐसा एक्सपर्टीज बंदा चाहिए होगा जो उनको हेल्प करे उसके बिजनेस को ग्रो करने में, तो वो भी कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं हाउस होल्ड सेक्टर से ही आएगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो जो उत्पादन के कारक होते हैं वो सारे कौन यूज करता है, एक उत्पादक क्षेत्र यूज करता है, गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र। अभी सरकारी क्षेत्र हमारे देश में करता क्या है, तो ये वेलफेयर एजेंसी का काम करता है यानी कल्याणकारी एजेंसी का काम हमारे देश में करता है। मतलब कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। हमारे देश में कौन कौन से नियम कानून बनाए जाएंगे उस सबका ध्यान कौन रखती है, गवर्नमेंट रखती है। और साथ क्या, गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर यानी उत्पादनकर्ता का भी काम करती है। हमारे देश में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपकी हेल हो गई, और बहुत सारी कंपनी जैसे LIC हो गई, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के ही एग्जाम्पल है। ये भी एज ए प्रोड्यूसर ही काम करते हैं। जो आपकी रेल है, रेल की जो डब्बे बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट हमारे देश में दो काम करती है, एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है और दूसरा प्रोड्यूसर का काम भी करती है। दोस्तों अगला आता है एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम विदेशी क्षेत्र भी कहते हैं या फिर इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा क्या काम होता है, यानी विदेशी क्षेत्र से हमारा क्या काम होता है, हम वहाँ अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट यानी आयात करते हैं और इम्पोर्ट यानी निर्यात करते हैं। जब हम अपने गुड्स को अपने देश से बाहर भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट यानी आयात कहते हैं, और जब हम बाहर से किसी गुड्स को अपने देश में मंगवाते हैं तो उसको इम्पोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। तो विदेशी क्षेत्र का काम क्या होता है, हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट करना और इम्पोर्ट करने का ही काम होता है। तो दोस्तों हम अपने गुड्स को बाहर बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और जब हम बाहर से कोई चीज मंगवाएंगे तो हमारे देश से बाहर पैसा जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल होता है हमारे देश के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी विदेशी क्षेत्र के बीच में पैसा फ्लो होता। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आएगा कि बेसिकली हमारे देश में चार प्रकार के कौन से सेक्टर पाए जाते हैं यानी चार प्रकार के कौन से प्राणी यानी जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।